रोल ऑफ सेफ्टी एंड हैं उसमें और सेफ्टी के जो रोल है वो क्या है सेफ्टी एंड नो लॉन्गर है लग्जरीज ऑफ पासिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज टू अदर मेम्बर्स ऑफ द आर्गेनाइजेशन जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग हैं उसी तरह हेल्थ और सेफ्टी प्रोफेशनल्स भी हैं इन लोगों का बुनियादी काम यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ कहीं भी हैजर्ड्स हैं उसको एलिमिनेट करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लाइज आसानी से मूव कर सके आसानी से काम कर सके और इम्प्लाई का जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके ये बुनियादी इसका रोल एनवायरनमेंट्स हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस आर्गनाइजेशन के अंदर आपको मालूम है कि अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है सन लाइट हाई टम्परेचर कंडीशन लो टम्परीचर कंडीशन एयरबॉन साल्ट डस्ट सैन डर्ट ये चीज़ें वहाँ पैदा हो सकती हैं अब आर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तु किस्म की हैज़र्ड्स ये जितनी चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स मैंने अभी नाम लिया और इस स्लाइड के अंदर जो पहला पॉइंट है उन सब का मतलब ही ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो आर्गनाइजेशन में हैज़र्ड्स का बायस बनती हैं इन सब को हमने कंट्रोल करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इनको एलिमिनेट किया जाए बैटर्स ये है कि इनको एलिमिनेट किया जाए इस तरह का एन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर यह हैज़र्ड्स वहाँ पर डिवेल्प ही ना हो पाए ईच ऑफ दिज पोटेंशियल हैज़र्ड्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द पीपल पीपल मीन इन इम्प्लाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी किस्म की भी हैज़र्ड वहाँ पर है तो उसका इम्पैक्ट इम्प्लाई पे देखा जा सकता है और इम्प्लॉई पे फील किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन कैन काज कंडल्ट शॉर्ट सर्कट्स ऑर्गेनाइजेश में बहुत ज़्यादा अगर नमी है तो शार्ट सर्कट का बास बन सकती है जो बाद में आग का बायस बन सकती है और आर्गेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा लॉस इस वजह से हो सकता है एन आई ओ एस एच ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मुख्त प्रॉब्लम को डील करती है और काज वेंटिलेशन सिस्टम डेफिशेंसीज ओवरक्राउडिंग ऑफ पैसिंग वेंटिलेशन इस पहले हिस्से का मतलब यह है कि आर्गनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए मुख्तु आर्गनाइजेशन जैसे मैंने अभी बताया था आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम ही ऑर्गनाइजेशन के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना उन उनगनाइजेश के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बेहतर से काम करना और आर्गनाइजेशन के एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना ताकि आर्गनाइजेशन में किसी किस्म के हेजेडियस एनवामेंट डेवलप प्रॉब्लम का बायस ना बन सकें एन एस एच हैज़ आल्सो फाउंड कम्फर्ट प्रॉब्लम ड्यू टू इम प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल पोअ लाइटिंग अनएक्सैप्टेबल नॉइज़ ये वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कामन देखी गई हैं वर्किंग एनवायरमेंट के वक्त शोर पैदा हो जाता है कि आप लोगों का प्रोडक्शन यूनिट जो मुख्तु डिपार्टमेंट है उनके साथ होता है जिस वजह से वो नॉइज़ आ सकता है तो जब आप लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना इस्टेबलिश करना है तो उस बात का ख्याल रखा जाए कि जो वहाँ पर एक्डेमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हैं जिसमें लिखने पढ़ने का काम है वो थोड़े से फासले पे होने चाहिए या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट साउंड प्रूफ हो ताकि उसकी नॉइज वगैरह बाकी डिपार्टमेंट को इफेक्ट ना कर सके हैजर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज टर्म मेनी पीपल यूज टू कन्वे अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स दैट बिलीव्स आर एट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग इट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस का अगर स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है लेआउट इस तरह का बना हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस वो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रही तो आप जितने भी वहाँ पे चीज़ें डेवलप कर लें वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपका हेल्दी होना चाहिए वेंटिलेटेड होना चाहिए वेंटिलेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए हवा का प्रॉपर अखराज होना चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए लाइटिंग का अेंज होना चाहिए ताकि कोई भी एम्प्लाई वहाँ पे काम कर सके अच्छे अंदाज़ से वर्कर्स टिपिकली implicate the workplace environment because their दे are आर when they दे लीव the workplace वर्क कुछ काम ऐसे हैं कि जो करने के बाद भी आपकी आँखों में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग का, का काम जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त शायद आपकी आँखों पर इतना इफेक्ट ना हो लेकिन उसके घंटे दो घंटे बाद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है तो उसके प्रॉपर जो मेकनिज़म है सेफ्टी बॉडी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पहनने के बाद इस तरह का काम किया जा सके ताकि आर्गनाइजेशन के अंदर जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सके और लास्ट आर्गनाइजेशन के अंदर जो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है अगर वो डेवलप नहीं किया जा सका अगर आप एस फॉलो कर लेंगे तो उसकी वजह से आप उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं